सुप्रभात बच्चों एवं अभिभावक गण, हिंदी व्याकरण कक्षा 3 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सेकेंड टर्म फर्स्ट यूनिट के लिए व्याकरण आनंद से पाठ 11 विलोम शब्द पढ़ाऊंगी। विलोम का अर्थ होता है उल्टा शब्द या विपरीत शब्द। विलोम शब्द पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक था राजा और एक था रंग। एक राजा था और एक रंग था। राजा बहुत ही मोटा था और रंग बहुत पतला था। राजा मोटा था और रंग पतला था। राजा हमेशा उदास रहता था और रंग हमेशा खुश रहता था। राजा उदास रहता था और रंग खुश रहता था। राजा सबसे कड़वा बोलता था और रंग सबसे मीठा बोलता था। कड़वा मीठा। राजा के बहुत सारे शत्रु थे और रंग के बहुत सारे मित्र थे। शत्रु और मित्र। एक दिन राजा के महल में युद्ध छिड़ गया और राजा डर गया। डर के मारे वह ऊपर जाकर छिप गया, क्योंकि राजा डरपोक था। ऊपर डरपोक। लेकिन रंग नीचे ही था, क्योंकि वह बहुत ही निडर था। ऊपर का नीचे, डरपोक निडर। युद्ध हुआ और राजा की हार हुई और रंग की जीत हुई। हार जीत। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से आपने विलोम शब्दों को सीखा। एक बार यहां ध्यान से, राजा रंग मोटा पतला उदास खुश कड़वा मीठा शत्रु मित्र ऊपर नीचे डरपोक निडर हार जीत। समझ में आया बच्चों? अब मैं आप लोगों को चित्र द्वारा समझाऊंगी। ये पहले चित्र में बच्चों, पेड़ पर एक बंदर उल्टा लटका हुआ है और इधर बंदर सीधा लटका हुआ है, तो उल्टा का विलोम सीधा। यहाँ मेज पर एक बिल्ली बैठी है और मेज के नीचे एक बिल्ली बैठी है, ऊपर नीचे। यहाँ छोटा बच्चा छोटा है, आदमी बड़ा है, तो छोटा का विलोम बड़ा। यहाँ रंग दर्शा रहा है, सफेद काला, तो सफेद का विलोम काला। समझ में आया बच्चों? तो चलिए बच्चों, मैं श्वेत पट पर विलोम शब्द की परिभाषा बताऊंगी। किसी भी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे एक अनेक, चढ़ना उतरना, मौखिक लिखित, नया पुराना, भला बुरा, ऊपर नीचे, सीधा उल्टा। अब मैं आप लोगों को कुछ और विलोम शब्द बताऊंगी।
घर बाहर, प्रसन्न अप्रसन्न, भला बुरा, देव दानव, आय व्यय, प्रशंसा निंदा, उदय अस्त, कोमल कठोर, गुण अवगुण, साधारण असाधारण, सरल कठिन, जय पराजय, उतार चढ़ाव, आकाश पाताल, विद्वान मूर्ख, सूखा गीला। समझ गए आप लोग? अब हम लोग अभ्यास के द्वारा विलोम शब्द सीखेंगे। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द बताएं। सूरज सुबह उदय होता है और शाम में डैश। यहाँ किस शब्द को रेखांकित किया गया है? उदय को। तो उदय का विलोम शब्द क्या होगा? अस्त। सूरज सुबह उदय होता है और शाम में अस्त। अनेकता में डैश हमारे देश की विशेषता है। यहाँ अनेकता को रेखांकित किया गया है। अनेकता का विलोम एकता। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। घर का दरवाजा खुला है, डैश कर दो। खुला को रेखांकित किया गया है। खुला का विलोम बंद। घर का दरवाजा खुला है, बंद कर दो। हिमालय पर चढ़ना सरल नहीं, डैश कार्य है। सरल का विलोम क्या होता है? कठिन। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों हमने यहाँ क्या सीखा? हमने यहाँ शब्दों का उल्टा शब्द या विलोम शब्द सीखा। एक बार फिर से बच्चों विलोम शब्द की परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। किसी भी शब्द का उल्टा या विपरीत शब्द बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। बच्चों व्याकरण आनंद से पृष्ठ संख्या 62 से चढ़ना से सूखा तक याद करेंगे। पाठ से संबंधित सभी कार्यों को विद्यालय के वेबसाइट पर डाल दिया गया है। कृपया अभिभावक बच्चों की मदद करें। धन्यवाद।